जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सहस्रार्णं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोचितं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलमय मंगलकरण बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा मिथ्या भाव अभाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोचे उपाव यही मोचे उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पंडित जी संसार अवस्था का स्वरूप बताने वाले हैं कि जो ये हमारी वर्तमान अवस्था है वो कैसी अवस्था है। देखो पंडित जी ने इसमें जो वैद्य और रोगी का उदाहरण लिया है, एक तो उसमें पंडित जी ने बताया है कि पहले जो वैद्य है वो रोग का निदान बताता है कि रोग कैसे हुआ है और रोग के निमित्त से कैसी कैसी अवस्था होती है। वो बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब तक जीव को यह निश्चय नहीं होगा कि मुझको रोग है तब तक वह जीव उस रोग को दूर करने का उपाय नहीं करेगा। इसीलिए सर्वप्रथम रोगी को यह आभास कराना आवश्यक है कि ये रोग तुझे है, तो और उसका आभास उसका निश्चय जीव को कब होगा उस रोगी को, कि जब वो वैद्य ये बताए कि वो रोग कैसे हुआ है और रोग के कारण कैसी कैसी अवस्था होती है। जैसे हम यदि लौकिक में देखें तो डॉक्टर जैसे बताता है कि वो ये रोग इस कारण से हुआ है, अभी बारह हो गया तो एनवायरमेंट चेंज होने की वजह से हुआ है, उसके निमित्त से ऐसी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जैसे भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती, ऐसी अवस्था जब वो बताएगा तो उससे रोगी को निश्चय होता है कि हाँ मुझे ऐसा रोग है, और जब उसको निश्चय हो जाएगा कि मुझे रोग है तो रोग को दूर करने का उपाय सुनेगा भी, सुनने के बाद उसको अपनाएगा भी। एक तो ये बात, और दूसरी बात की जो कल भी बताई थी कि पंडित जी ने तो वैद्य और रोगी का उदाहरण दिया है, उसमें पंडित जी ने वैद्य का कर्तव्य क्या है वो बताया, साथ में रोगी का कर्तव्य क्या है वो भी बताया, और उसको बता के पंडित जी एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे थे कि वैद्य का कार्य तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे, यानी जो जिनवाणी माँ है वो वैद्य का कार्य कर रही है और मैं ये वैद्य का कार्य कर रहा हूं, लेकिन केवल उपदेश सुनने आदि से ही रोग दूर होने वाला नहीं है। कि हमने वैद्य का उपदेश सुन लिया कि वैद्य ने रोग को दूर करने का उपाय क्या बताया कैसे बताया वो सब सुन लिया, लेकिन उसको सुनने मात्र से रोग दूर होने वाला नहीं है। वो रोग दूर कब होगा, जब हम उसके बताए अनुसार
उस साधन को अपनाएंगे, उसका अनुसरण करेंगे तो ही तभी वह रोग दूर हो सकता है। तो ऐसा पंडित जी ने वैद्य रोगी का कर्तव्य बताकर वहां यही बताया है कि शास्त्र का उपदेश केवल सुनना नहीं है कि केवल पढ़ लिया सुन लिया, इतने से काम होने वाला नहीं है। उसमें जो स्वरूप आया है उस स्वरूप पे विचार करें, चिंतन करें, उसका साधन करें तो ही इस कर्मबंधन रूपी रोग से मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें हमारी बात अभी सबसे पहले जो रोग का निदान है कि ये जो कर्मबंधन रूपी रोग है ये कैसे हुआ, तो इसमें पंडित जी ने कर्मों के अनादि बने की सिद्धि की थी कि कर्म अनादि से ही है, क्योंकि पंडित जी ने कर बताया था कि निमित्त जो है, जैसा कि हम कहते हैं कि कर्म बंध तो किससे होता है, राग आदि के निमित्त से होता है कि हमने कोई राग भाव किया, चाहे शुरू किया चाहे शुरू किया, तो उसके निमित्त को आधार बना के जो ये कर्म कारमान वर्गना है वो हमसे जुड़ गई। तो लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि निमित्त तो वही संभव है जहां नवीन कार्य हो, जहां कार्य नवीन ना हो के अनादि से हो वहां निमित्त की आवश्यकता नहीं है, वहां निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए जो रागादि निमित्त कहे जाते हैं वो जो नवीन परमाणुओं का जुड़ना बिछुड़ना होता रहता है, जो खुदगर में स्निग्ध गुण है तो उसके गुण के थ्रू कारमान वर्गना जो मृत्यु बिछुंदी रहती है कि नवीन कर्म परमाणुओं का आश्रम हुआ और वो जो पुराने थे वो निजरित हो गए, तो जो ये प्रक्रिया चलती है वो अनादि से है। उसमें ऐसा नहीं कि वो भी नवीन कार्य हुआ हो कि नवीन ही कोई हमसे जुड़ा हो, वो कर्म बंधन अनादि से है, इसीलिए वह निमित्त कहना संभव नहीं है। और फिर पंडित जी ने बताया था कि यदि हम अनादि में निमित्त मानेंगे तो अनादि बना नहीं रहेगा, कि जो कर्म बंधन रूपी रोग है वो अनादि से है, और यदि हम कहें कि वो निमित्त से ही होता है तो यदि हम अनादि का जो कार्य है उसमें निमित्त माना, इसका मतलब क्या है कि जब वो निमित्त नहीं था तब वो कार्य भी नहीं था, और यदि ऐसा होगा तो फिर अनादि बना नहीं रहेगा। तो इसीलिए ऐसा कहके पंडित जी ने कहा कि कर्म का बंध तो अनादि से ही मानना। उसके बाद देखो पंडित जी आगे क्या कह रहे हैं, हमने कल यहां तक किया था, ये कर्मों के अनादि बने की सिद्धि में है, ये नीचे इस पैराग्राफ में नीचे से चौथे नंबर की लाइन है। सो तत्व प्रदीपिका प्रवचन शास्त्र की व्याख्या में जो सामान्य गे अधिकार है वहां कहा है कि रागादिक का कारण तो द्रव्य कर्म है और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। देखो प्रवचन इसका ये प्रज्ञापन अधिकार है जो कि गाथा नए, तो इसमें जो यहाँ पर जिस गाथा का वर्णन कर रहे हैं पंडित जी वो गाथा है गाथा नंबर 121, इसमें नीचे दिया हुआ पंडित जी ने प्रश्न सार टीका गाथा 121। तो इस गाथा में जो ये सामान्य के अधिकार में गाथा है उस गाथा में ये बताया है कि रागादिक का कारण कौन है, द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म का कारण क्या है, रागादिक। और हमने भी अनेक ग्रंथों में पढ़ा है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होता है, ये परिपाटी चलती रहती है कि भाव कर्म हमने किया उसके जैसा हमने भाव किया उसके अकॉर्डिंग द्रव्य कर्म हमसे बन गए, और जब वो द्रव्य कर्म उदय में आया तो उसके अकॉर्डिंग हमारे भाव कर्म हो गए। तो ऐसा भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म की परिपाटी चलती रहती है। देखो कल है ना यही बताया था कि वो जो हमने जैसे भाव करते हैं द्रव्य कर्म कैसे बनता है, तो उसका बताया था कल कि प्रशास्ती काय में गाथा है, उसने बताया है कि जो कामान बगना है वो इस लोक में काजल की डिब्बी की तरह ठस भरी हुई है। तो जैसे हम भाव करते हैं तो तुरंत ही उन भावों को निमित्त बनाकर वो कारमान बगना अच्छी छुप जाती है स्थिति अनुवाद रूप की, जितनी स्थिति बनी जितने अनुवाद के साथ बनी उतनी स्थिति के बाद उतने अनुभाव के साथ उसका उदय आएगा। तो ऐसी ये परिपाटी चलती है। तो अब ये परिपाटी चलती है तो फिर तो कभी वो कर्म का अंत हो ही नहीं पाएगा यदि परिपाटी चलेगी तो। तो उसके लिए पंडित जी यहाँ बता रहे हैं कि तब वहां तर्क किया है कि ऐसा बताया है कि भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से भाव कर्म होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे तो इतने तरह से दोष लगता है, वह उसके आश्रित वह उसके आश्रित कहीं रुका भी नहीं है, कि इसमें एक दोष आता है यदि हम ये कहें कि
भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, तो फिर भाव कर्म से द्रव्य कर्म, तो ये तो परिपाटी चलती रहेगी। तो इसमें तो इतनी तरह से दोष आता है कि जैसे हम कहें कि राम का घर कहाँ है, तो कोई कहेगी श्याम के घर के पास, और श्याम का घर कहाँ है, राम के घर के पास। तो ऐसा कहते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा कि राम और श्याम का घर कहाँ पर है। यदि हम ये कहते रहेंगे कि राम का घर श्याम के घर के पास है, श्याम का घर राम के घर के पास, तो ऐसा ही यहाँ पर है। यदि हम ये कहते रहे कि रागादिक से द्रव्य कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म से रागादिक होते हैं, फिर रागादिक से द्रव्य कर्म होते हैं, तो उसका अंत ही नहीं हो पाएगा। तो उसके ही उत्तर के लिए ये गाथा नंबर 121 कहा है, जिसमें कहा है कि इसमें इतने तरह से दोष नहीं है।